students, let's start with the fourth unit of your syllabus in chemistry, that is atomic structure. The basic chapter of chemistry means chemistry begins from this chapter. जब तक आप chemistry पढ़ोगे उसका जो foundation है, basic है, सबसे पहले जहाँ से chemistry start होनी चाहिए थी, ये वो chapter है atomic structure. ठीक है, तो ये वो फंडामेंटल कंसेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसको आपको लर्न करके समझ के आपको आगे की थियोरीज केमिस्ट्री में पढ़ने की है ना. जैसे हमने सेल से स्टार्ट किया था बायोलॉजी में, तो सेल के बाद आप टिश्यू पढ़ोगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ये हम स्टार्ट करते हैं. वैसे ही केमिस्ट्री में भी जो स्टार्टिंग है वो एक टाइनी पार्टिकल से स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं एटम्स. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो जो थियरी कंसेप्ट एटम के लिए दिए थे हमको, उनको स्टडी करने का इस चैप्टर में. और अभी तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कार्बन, ये सारे आपके आपने एलिमेंट्स के नेम सुने, इन सब के एटम का स्ट्रक्चर हमको स्टडी करने का है. ठीक है, तो इतना सारा जो मटेरियल आज हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, डिटेल है, कंसेप्ट हमारे सारे क्लियर है, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो वर्क किया है, और एक के बाद कुछ ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए जो थियरीज आई उनके थ्रू आज हम एक रियल कंसेप्ट पे बेस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं. ठीक है, तो एटम, मॉलिक्यूल, पीरियोडिक टेबल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सारे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, मींस बेसिक उसका स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ एटम. अगर इंट्रोडक्शन ऑफ एटम की बात करते हैं तो ये जो साइंटिस्ट जिनका सबसे पहले नाम आता है वो है डाल्टन. ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के बारे में कुछ कहा, फिर उनके जो एटम के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको इम्प्रूव करते हुए दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरी एटॉमिक थियोरीज दी है ना. इस चैप्टर में डिफरेंट मॉडल्स हमको स्टडी करने के हैं कि अगर डाल्टन का जो कंसेप्ट था वो रॉन्ग था तो उसके बाद किसने कौन सी थियरी दी, उसमें भी क्या ड्रॉबैक थे, फिर उसको ओवरकम कैसे हुआ, ये सारा. ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है डाल्टन का, जिन्होंने वर्ड दिया एटम, और उन्होंने एटम्स की एटम के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ बातें कही, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थी एटम इज इनडिविजिबल. ठीक है, मींस वी कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड एटम इनटू स्मॉलर फ्रैक्शंस. एटम ही सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं है, है ना. ये उन्होंने बोला था विच वाज रॉन्ग, वो गलत था, है ना. अभी हमको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. एटम के खुद के पार्टिकल्स, यानी एटम से छोटा हो गया, एटम को आप डिवाइड कर सकते हो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में. सो मैंने यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थियरी, ठीक है, वो उसके फाइव कंसेप्ट लिखे हैं. ये डाल्टन एटॉमिक थियरी के फाइव पॉइंट्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, कि कहाँ से एटम को हम जानना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम. ऑब्वियसली जैसे बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हमने पढ़ा है, वैसे ही एटम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, एटम है. दैट मीन्स एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट हो गया एटम. सेकेंड पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, एटम इज इंडिविजिबल. डाल्टन का मेन जो थियरी था, कंक्लूजन था उसकी थियरी का, वो था एटम इज इंडिविजिबल, मींस वी कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड एटम इनटू सब पार्ट्स, और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, वी कैन नॉट क्रिएट एटम इन एनी केमिकल रिएक्शन. आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, उसके सब पार्टिकल्स नहीं कर सकते. तो ये जो इंडिविजिबल वर्ड था ये रॉन्ग प्रूव हो जाता है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, जो हम आगे करेंगे. The third point is atom in a given element are identical. जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, सपोज हमने नाइट्रोजन लिया, है ना, नाइट्रोजन N एलिमेंट है, N2 जो आप पढ़ते हो दैट इज गैस, है ना,
एन कुछ नहीं होता, एन सिंबल है एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन का, लेकिन एन टू वो जो एन है वो एन टू गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम, सपोज एन कोई एलिमेंट है या नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो इसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे है ना, वो सारे कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्लास का आप एग्जाम्पल ले लो, क्लास में आप बोलते हो एक नाइन्थ क्लास, लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स है सारे एक जैसे नहीं है, है ना, तो वो एटम नहीं है, सारे स्टूडेंट्स अगर सेम हो, सही मतलब इन एवरी एस्पेक्ट दे मस्ट बी सेम। तो उस कंसेप्ट को वहां पर समझाया उन्होंने कि एक मैटर में, एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं। तो नाइट्रोजन का आप कुछ अमाउंट ले लो, सपोज करो मैंने इतना ग्राम नाइट्रोजन ले लिया, इतना ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, तो उस गिवन मास में, उस गिवन वेट में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ एटम नहीं, एटम जो होंगे सारे सेम होंगे, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, नंबर की भी अभी हम बात करेंगे। तो ये जो हो गया पॉइंट, एटम इन अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक एक ही एलिमेंट है, अगर सिंगल टाइप का एलिमेंट है तो उसके जो मास आपको दिया हुआ है या वो खुद एलिमेंट जो है उसमें जितने एटम प्रेजेंट हैं वो सारे सेम होंगे, ऐसा नहीं नाइट्रोजन में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिल रहे हैं, नो। ठीक है, ये हो गया। देन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब ये बोला कि एटम सबसे छोटे यूनिट है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एटम्स के बने हुए हैं, है ना, और जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये। अब बहुत सारे एटम, सपोज करो आप जैसे एक एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये आपको पता है H2O, यानी इन्होंने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल। तो एटम गेट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी इसको तो बोलेंगे एटम और इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एटम सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे N और N कंबाइन होके N2 गैस बनाएंगे, तो N2 गैस तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर N और N क्या है, एटम। ठीक है, तो एटम गेट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, दैट मींस सिमिलर काइंड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम गेट कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। यही मॉलिक्यूल जो है वो आगे जाके कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड में जो एटम का प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट या सेम होता है। तो ये हो गया एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है ना, जैसे आप एग्जांपल वाटर आपको बहुत इजीली याद रहता है, तो ये वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसमें कितने एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन के एटम ने और एक ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है, क्लियर है। तो ये वाटर अगर आप आइस की फॉर्म में ले लो, स्टीम की फॉर्म में ले लो, इस वाटर को आप हिल स्टेशन पे ले जाओ, इस वाटर को आप सी शोर का मतलब जो सॉल्टी वाटर है वो ले लो, लेकिन जो वाटर का फॉर्मूला है H2O वो चेंज होता है, नो। ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, कोई जो एक कंपाउंड बन गया है एटम के कॉम्बिनेशन से, ये एटम के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जब तक कि कोई केमिकल रिएक्शन ना करवाए या आपने किसी भी मेथड से इसको चेंज किया है, इसके कंपोजिशन को चेंज किया है, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन करके दो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनाएगा, लेकिन एक जो कंपाउंड है ना, उसमें हमेशा एटम के प्रोपोर्शन यानी नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं। जैसे आपको पता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम, Na मतलब सोडियम, क्लोरीन मतलब क्लोराइड, इसमें एक सोडियम है, वन सोडियम एंड वन क्लोरीन, तो दिस NaCl फॉर्म रिमेन सेम इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्ट्स। जैसे सॉल्ट मतलब ये जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन, इसमें हमेशा एक ही N और एक ही क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब कोई भी आपने कंडीशन चेंज कर दी तो ये N जो होता है वो NaCl जो होता है वो NaCl2 बन जाएगा या Na2Cl बन जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इन अ गिवन कंपाउंड, यानी आप अगर कोई केमिकल फॉर्मूला लर्न करते हो है ना, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जब आप लर्न करते हो
तो वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेट होता है, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट होते हैं. सो दीज आर द फाइव कंसेप्ट ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. आपको यहीं से स्टार्ट करना है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नोट्स बनाने के लिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एटम मींस डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि उन्हीं का नाम सबसे पहले है. अब हम उनके जो पॉइंट्स हैं उनको उसमें से ड्रॉबैक्स निकालेंगे और फर्दर जो साइंटिस्ट थे उनकी डिस्कवरीज पढ़ेंगे. उनकी डिस्कवरीज पढ़ने के लिए एक जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट अब आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका. इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा फॉर्म किया हुआ था, है ना. इसमें बेसिकली क्या है, ये एक इलोंगेटेड चैम्बर बनाया है ना. इस चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है, ठीक है. और यहां पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, हाई वोल्टेज. अब हम आगे जो कर रहे हैं वो है फर्दर डिस्कवरीज इन एटम. एटम को जो इंडिविजिबल डॉल्टन ने बोला था उस पे वर्क करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं. वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली यहीं से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी. नेम के सजेस्ट उस टाइम नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, लेकिन ये हो गया था क्लियर कि एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं. ऐसा कैसे पता चला, कुछ रब करने से, है ना, कोई दो चीज़ों का आपस में रब करने से कुछ चार्ज सर्टेन जो चार्ज होते हैं वो जनरेट होते हैं. जैसे आप कोई भी चीज़ रब करते हो आपको करंट लगता है. तो ये जो सारी चीज़ें होने लगी उससे पता लगने लगा कि एटम के अंदर कुछ है ऐसा जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होते हैं. उन चार्ज को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब डिज़ाइन किया. अब इसका डिज़ाइन में देखो इलांगेटेड ट्यूब है, ग्लास ट्यूब जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, है ना. कैथोड एनोड कंबाइन हो रहे हैं हाई वोल्टेज से, ओके. और यहाँ पर ये एक वैक्यूम पंप बनाया हुआ है, मींस अगर आपको स्टडी करना है पार्टिकल्स को तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है. कोई भी पार्टिकल इस डिस्चार्ज ट्यूब, इसका जो नेम है वो है डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट होना नहीं चाहिए. इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गैसेस प्रेजेंट हो गए तो हो सकता है वो चार्ज पार्टिकल के साथ कुछ रिएक्शन कर दे जो आगे आएगा. तो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब बनाया है, इसमें से जब स्टडी किया, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा कर स्टडी किया, तो ये ऑब्जर्व किया कि कई बार ये जो कैथोड है यानी माइनस है, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रेट जाते हैं एनोड की तरफ, है ना. तो इनका जो नेम था वो क्या हो गया, कैथोड रेज. ऐसा उन्होंने देखा जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं. और अब इनको कैथोड रेज क्यों नाम दिया, सपोज करो यहाँ पर कोई मैग्नेट लगा दी या फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर कोई प्लेट चार्ज पार्टिकल की लगा दी, तो अब देखो ये जो कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल्स थे ये नेगेटिव थे, है ना. तो वो क्या हो जाएगा, ये पता नहीं लगा कि अभी ये नेगेटिव है, लेकिन इनका पाथ जो गया वो डेविएट हो गया, वो इस तरफ हो गया. तो क्या डिस्कवर हुआ कि यहाँ से कैथोड से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पॉजिटिव रखा ना तो सारे नेगेटिव जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर हमको ऑब्जर्व हुए. पहले हमने पॉजिटिव रख दिया, वैसे तो यहाँ पॉजिटिव था लेकिन हमने पहले रख दिया तो वो यहाँ डेविएट हो गए. इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव थे जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए. तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन अनलेस सम मैग्नेटिक और एनोडिक फील्ड इज नॉट डेवलप्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. जब तक कि आपको एक डेविएट करने वाला मैग्नेटिक प्लेट या अपोजिट जो प्लेट है ना, इसका अपोजिट प्लेट आप कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करते हो, तब तक जो कैथोड रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक
ठीक है। तो ऐसे ही एनोड के लिए भी डिस्कवर हो गया कि एनोड से भी, कैथोड से नहीं, एनोड से भी कुछ पार्टिकल रिलीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, ये बाद में ये डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी, जिनको थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नेम दिया। तो डॉल्टन के बाद जो साइंटिस्ट का नेम आता है वो है थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कॉन्ट्रीब्यूट किया। और यहाँ पर उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से कैथोड रेज डिस्कवर की और इलेक्ट्रॉन नेम दिया। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से ये डिस्कवरीज हुई थी। हमको आगे जो कंसेप्ट पढ़ना है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये डॉल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसमें हम स्टडी करेंगे कि एटॉमिक, अब ये पता लग गया कि एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, उनको क्या कहते हैं, है ना, वो सारा जो है वो जो फर्दर मॉडल्स आएंगे उनमें हम स्टडी करेंगे।